रात इतनी हसीन रही कि मानो नंदिता को जिस हमसफर की तलाश थी वो उन्हें मिल गया हो, और ये खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। आपके लिए भेजी यश ने मोतियों की माला, मेरे लिए या आपके लिए? आपके लिए। आइए, आपका इंतजार था। आपका इंतजार था। कैसी रही, कहाँ थी? अच्छी यार। और ओवरऑल कैसी रही? आओ बैठो ना। तो अरे नथिंग ग्रेट, अच्छी थी। He is a nice guy, you know. He is very nice. Oh, you're back? Yes, I'm back. It was okay. Why okay? Okay, nice. That's it. तो उसका इंटरेस्ट कैसा लगा? पॉजिटिव। चलो बढ़िया। चचा संतोष हो गए? टेंशन में आके। वो कहते हैं मैं बात सुनने से पहले सो गया। सो गया बेचारा। कल को मारे। कॉम्प्लीमेंट दिया उसने? नहीं। तुम्हें दिया था, मुझे नहीं दिया। एंड नथिंग एल्स टॉक्ड अबाउट, लाइफ एक्सपेक्टेशंस, लाइफ पार्टनर, मॉम कैसी लगती है। माँ की पसंद अब बन चुकी है बेटे की पसंद भी, और यही वजह है कि किसी के चेहरे पर खुशी है तो किसी के चेहरे पे उदासी। कुछ कुवरों ने भले ही अपनी पसंद की कन्या को चुन लिया हो, मगर अब मम्मियों ने शुरू कर दी है नए रिश्ते जोड़ने की एक नई मुहिम। कुवरों, अब तक आप मिलते आ रहे थे अपनी मन पसंद की कन्याओं से, मगर आज आप चारों कुवर एक एक करके मिलने वाले हैं अपनी मम्मियों की पसंद की कन्याओं से। कौन मिलेगा किससे, उसका खुलासा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुलाकात के वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि मम्मी की पसंद तो जोड़ियां भले ही आसमान में बनती हों, मगर धरती पर इसकी जिम्मेदारी निभा रही हैं मम्मियां, और लिख रही हैं उस कन्या का नाम जिससे मिलने वाले हैं उनके कुंवर। कौन यार, मम्मी जी की पसंद कौन है? तेरी मम्मी की पसंद तो पूजा, नहीं तो नंदिता। मुझे भी लगता है कि पूजा या रूपा। मैं तो इससे ज्यादा बात हुई नहीं मम्मी से, पर मम्मी पूजा का ही नाम लेती है तो मुझे लगता है शायद पूजा हो सकती है। तो घबरा के क्यों बोल रहे हैं? अच्छी बात है ना। आप बताओ जसदीप, क्या लगता है? क्या लगता है आंटी किसको पसंद करेंगी आपके लिए? बताओ यस, नंदिता। नंदिता का किसका अंदाजा सही होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी बीच घर से दूर वादियों की खूबसूरती में नंदिता इंतजार कर रही है एक मुलाकात का, इस बात से बेखबर कि किस कुंवर से होने वाली है उसकी मुलाकात। मैं उसके शिक्षा को लेकर, उसके प्रोफेशन को लेकर, उसके विचारों को लेकर, उसके आदतों से मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने नंदिता को ही यश के लिए मिलने के लिए चुना है। काफ़ी लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, नंदिता किसको पसंद करती है। एज इन मैंने जरूरी जो किया था वो बोलते हैं ना कि ऑप्शंस रखना, ऑप्शन इन सेंस कि हाँ कि मतलब ये है इनमें से ही कोई एक मुझे हो सकता है पसंद आए। पहले आई थॉट ऑफ यू, फिर सेकेंडली आई थॉट ऑफ रूम्पा, एंड फिर गुरप्रीत के साथ इंटरेक्शन हुआ तो गुरप्रीत आ गए थे। तो अभी आई गेस इट्स यू। ये कह सकता हूँ मैं कि हाँ तुम्हारे साथ अगर कंपेटिबिलिटी मेरी हाई नहीं होती तो आई वुड प्रीफर टू लीव दिस शो। मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि मेरी आपके साथ कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, एंड जो मुझे लगा है अभी तक। एंड बाकी विवेक इज़ अ वेरी नाइस गाय, इज़ अ गुड फ्रेंड, बट आई थिंक आई लाइक यू। थैंक यू।
अच्छा मेरा एक डाउट है, डाउट इन द सेंस लाइक वो शेयर करना चाहूंगा, हैव यू एवर शेयर्ड विवेक के साथ कि ऐसा कुछ है? नहीं, विवेक से मैंने ऐसे क्लियर कट बात नहीं की है कि ओके फाइन आई डोंट लाइक यू, आई लाइक हिम बट एज अ फ्रेंड, बट आई बिलीव वो काफी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? ओके, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि तुम एक स्टेप अहेड लो और उसको क्लियर कर दो। या नेक्स्ट टाइम मे बी मैं विवेक को लेके जाऊं, थिंग्स को क्लियर करूं, बिकॉज आई थिंक उसकी तरफ से भी राइट, तो मेरे को वही है कि वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेता तो वो उसको भी हर्ट सी। आई नेवर टुक यू एज अ प्रेफरेंस बिकॉज उसके रीजंस कुछ थे एंड दैट इज आई वाज लाइक ओके यशदीप इज एज गुड एज नॉट ऑन द शो। इफ आई लास्ट मे बी वीक तक आई वाज लाइक ओके गौरव नहीं है तो मे बी विवेक, विवेक इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, बट अगर आज को देखें एज ऑफ नाउ एज इन नाउ तो यस आई लाइक यू। मम्मी जी की मुहिम रंग लाई, पहली ही मुलाकात में एक नया रिश्ता पनपता नजर आया, कहीं ये गुरप्रीत और यशदीप के रिश्ते का अंत तो नहीं?